अरे ऐसे नहीं, आराम से काटो, बारीक बारीक से काटो, छोटा छोटा। मर्द की जानिब लौटना जिंदगी नहीं मौत होती, लेकिन हाँ ये भी है कि चोट खाए हुए भी एतबार का चूर्ण जरूर फांकते हैं। मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं दोस्ती करने वाली लड़की नहीं हूँ। तो मर्द कौन सा टिकता है, औरतें टिकती है और फिर अपना कबाड़ा करती है। हेलो सामिया, मैं आपका वेल विशर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बचाना चाहता हूँ और मैं आपको उज़ैर से रिलेटेड बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कहिए। हेलो हेलो हेलो, प्लीज ऑर्डर जल्दी रेडी कर लीजिए, देर हो गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? बेवा नहीं हूं, सिर्फ तलाक हुई है मुझे। बेवा भी होती और चूड़ियां पहन लेती तो कौन सा कोई गुनाह मिलता। रहने दीजिए, लोगों का तो पता है ना आपको। आपका घर मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ऐसे घर औरतों को अपनी जानिब खींचते हैं। अब तो कहा जा रहा है कि शादीशुदा मर्दों को दो दो शादियां करनी पड़ेंगी, औरतों का तनासुब बढ़ जो गया है। भाकर खानी ला के दूं? ताजा ताजा आई है, चाय के साथ बड़ा मजा देंगी। नहीं शुक्रिया, मैं इस सब कुछ नहीं खाता। वैसे जिंदगी के असूल बदल लेने में ऐसा कोई हर्ज भी नहीं है, मतलब के एक ही बीवी के साथ सारी जिंदगी गुजार देने वाले मर्दों में से हैं आप। आखिर वो भी तो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही गुजार रही है ना। कई मिसालें हैं, दो दो बीवियां इकट्ठे मिलकर बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार सकती हैं। हमारे एक पुराने एक्टर, दो बीवियां, उनकी क्या मिसाली मोहब्बत थी। लोग मिसालें देते थे उनकी मोहब्बत की। सोचती थी कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन इस उम्र में जाकर पता चला कि असल शादी की जरूरत तो इसी उम्र में होती है। तन्हाई काटती है अनवार। खातून आप मुझे या अनवार साहब कहें या अनवार भाई, खाली अनवार कहने का हक मेरी बीवी को हासिल है। ये हलवा ट्राई कीजिए, नई तरकीब से बनाया हमने। चूड़ियां क्यों नहीं पहनती, ढेर सारी रंग बिरंगी। शादी के 24-25 साल बाद बीवी को यकीन आ जाता है कि अब ये राजपाट कहीं नहीं जाएगा। गलतफहमी भी हो सकती है, हाथ तो कभी भी कोई भी लगा सकता है, तुम्हारी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी। ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, तुम्हें भी इसमें शामिल कर रहा। मोहब्बत हमारी ताकतवर थी इसलिए मैं बच गया। सब मर्द एक जैसे नहीं होते फरीदा।
अब आप ये क्या टीवी पे लगा के बैठ गई हैं? अरे टीवी पर वो दिखा रहे हैं ना जो उस दिन मोबाइल में बैठकर हम थाने जा रहे थे, ये अचानक से मेरा क्लोजअप आया। कसम से मैं इतनी अच्छी लग रही थी ना, मालूम हो वो पिस्ता कलर मुझमें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बदनामियों के डंके बज गए और इनको देखो। कोई बदनामियों के डंके वंके नहीं बजे, बड़े बड़े सियासतदान रोज गिरफ्तार होते हैं, रोज रिहा, उनकी इज्जत में कौन सी कमी वाकया हो जाती है, फिर से आ जाते हैं मुंतखब होकर। और हमारे साथ ये कौन सा पहली बार हुआ है? जाफत को पहली बार नहीं आई, भूल गई वो गुलशन वाली ब्रांच, वो सफूरा गोट वाली ब्रांच। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसने अभी तक हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है वो हमसे बड़ा प्यार करता है। ये तो अल्लाह बड़ा कारसाज, मैं तो अब्दुल्ला शाह गाजी पे मुर्ग छोले और छोटे गोश्त की बिरयानी की देख चढ़ाऊंगी। हाँ आ जाऊंगी। ओके अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन था? नहीं मैं बॉयफ्रेंड वाली लड़की नहीं हूँ। मिस शाही थी, मैंने काफी तारीफ करी है तुम्हारे काम की, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। जुटानी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर एक हॉलनाक वाकया सरजद हुआ है। आपने सुना होगा लोग ब्यूटी सलोन इसलिए जाया करते हैं क्योंकि वो अपनी खूबसूरती को निखारना चाहते हैं, लेकिन इस दफा कहानी बिल्कुल मुनफरिद है। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनके साथ एक ब्यूटी सलोन ने ज्यादती की और उनका चेहरा बिगाड़ दिया। जी मेरी बहन बताइए अपनी कहानी। अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी मैं ये मून ब्यूटी पार्लर जाने से पहले। आपको पता है जी मेरे शौहर मुझे महविश हयात से मिलाते थे। जनाब आपको बरवक्त खबर दे रहे हैं और मुस्तनद खबर दे रहे हैं। मेरे कब में वो सैलून मौजूद है जहां पर 2 साल पुरानी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जा रही हैं। ये वो सैलून है जहां पर दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल की जाती है नेल पॉलिश में। ये वो सैलून है जहां पर इंतहाई और मुजर अशिया इस्तेमाल की जा रही है जो कि नाकाबिले इस्तेमाल होती है। अहले मोहल्ला और अहले इलाका ये अर्ज करते हैं कि हुक्कामे बाला तक उनकी आवाज पहुंचाई जाए कि इंसाफ फराहम करने वाले इदारे इस तरह से 2 नंबरी करने वाले सैलून्स को बंद करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको पनिश करें और उनकी अर्ज सुनी जाए, इस खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। नबीला चौटानी सदीक छोटू के साथ एयरवाई न्यूज बाखबर रहने के लिए देखते रहें। पहले मोहल्लों में खानदानी लोग रहा करते थे, अब तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप भी तो डब्बू को छोड़ने के बहाने खूब चाय पेस्ट्रियां उड़ा उड़ा कर आते थे। वो तो जबरदस्ती बिठा लेते थे मुझे। खैर अनवार में ये चिलतरबाजियां नहीं है आजकल के मर्दों वाली। और वो मोहतरमा, अरे वही उनकी बड़ी बहन, बड़े गौर गौर से पूरे घर का जायजा ले रही थी ऐसे जैसे आइंदा यही क्याम करने का इरादा हो। और आपका नाम तो बड़ी बेतकल्लुफी से ले रही थी वो। बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी उन्होंने मुझसे, मैंने भी अच्छी तरह झिड़क दिया। देख लिया आपा, देख लिया, आज पूछा तो बेख्याली में सब कुछ उगल दिया, पहले तो नहीं बताया आपने कभी। ये उन्होंने माजरत कर ली थी। उन्होंने? वाह भाई वाह, बड़ी तमीज तहजीब से जिक्र हो रहा है उसका। लो भाई जो अपने मुंह से सब कुछ कह दे तुम उसके पीछे पंजे झाड़ के पड़। कोई और होता तो चोरी और सीना जोरी वाली मिसाल होती, इस वक्त तो तुम बकौल हमारी अम्मा खिसियानी होकर यही कहती कि हाकिम के मारे और कीचड़ में फिसले का किसने बुरा मनाया। सांझ को आंच नहीं यूं ही नहीं कहते, जो सच बोले उसकी कदर करना सीखो फरीदा। ओ भाई लेक्चर ही दे डाला आपने। आप दोनों बहन भाई पर एक और इंकशाफ कर डालते हैं। वो जो उनका लड़का है ना डब्बू, अरे चुप तो हो, अरे वो जवान लड़का उजैर, हाँ वो अपनी सामिया से शादी करना चाहता है। गुंडों से जान बचाई थी ना उसने सामिया की, आपको बताया तो था हमने। भाई लगता है कोई बहुत ही घिसी पिटी 1960 की फिल्म चल रही हो,
जान बचाई थी गुंडों से। फिल्में तो 1960 की भी घिसी पिटी थी और आज की भी। आपकी रोमानवी फिल्मी तो अचानक खत्म हो गई ना। पापा वो अरे मजाक में निकल गया ना हमारे मुंह से। मजाक में भी ये बातें कहने वाली नहीं होती। अब समझाओ तुम सामिया को। अरे पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं वो लोग, और क्योंकि मैं उनके घर जाता रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, मशकूक सा है। आज तो इंकशाफात का दिन है। आइंदा मैं हर बात तुमसे छुपाऊंगा। घर का जायजा लेकर गई हैं बेगम साहिबा अच्छी तरह। खुदा की कसम खाकर कहते हैं अगर हमारे ऊपर औरत आई तो हम उसकी बजाय आपकी जान ले। ज्यादा इंतकाम की देवी मत बनो तुम। बहुत डिस्टर्ब, कहीं बैठकर तुमसे बात करनी। ओ, तो तुम भी बाकी मोहल्ले वालों की तरह हम लोगों से नफरत करने लगे। रहने दो। रुको। हर आदमी की अपनी कब्र होती है, वो किसी के किए का जिम्मेदार नहीं होता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। समंदर बड़ा मिस्टीरियस लगता है मुझे, औरत के दिल की तरह। इस वक्त जब डूबते हुए सूरज को देखती हूँ तो मेरा दिल भी डूबने लगता है। परेशान मत हो, मैं इस वजह से तुम्हें कभी छोड़ भी नहीं सकती कि तुम्हारी बहन जाली या एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स जैसे मामले में क्यों इन्वॉल्व। और इसका कोई कसूर भी नहीं था। तुम्हें पता है दो गली छोड़ के जो शमामा ब्यूटी पार्लर है ये उनकी साजिश थी, उनकी भेजी हुई औरत थी। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, किसी टीवी के मेकअप आर्टिस्ट से जली हुई स्किन का गेटअप करवा के आई। छोड़ो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर कुछ होता भी तो मैं तुम्हारी बहन की वजह से तुम पर मलबा नहीं गिराती। हर आदमी एक दूसरे से अलग और जुदा होता है, सबको अलग अलग पलड़े में रखना चाहिए। एक बात कहूं तुमसे, तुम बहुत अलग लड़की हो। अलग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उसूलों में चलने वाली जरूर। बड़े गलत फैसले किए हैं जिंदगी में, लेकिन मुतमईन हूँ कि खुद किए। कोई और करता तो शायद कत्ल कर देता। शादी कर लो मुझसे, जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दी तो वही करता है जिसका किसी पे क्रश हो। जैसे अब समझ में आता है कि रिजवान को मुझसे मोहब्बत वोहब्बत नहीं थी, बस वक्त ही क्रश था। उसके नजदीक हासिल कर लेना खो देने के बराबर था। मुझे तुम पर क्रश व्रश बिल्कुल नहीं है, नेवर। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत अंदर से। Thank you.
क्या बात है यार? जानता हूँ तू बहुत डिस्टर्ब है, ये मोहल्ले वाले भी ना लीचड़ बन जाते हैं कि बात को लेकर। अच्छा सुन, उसकी हालत बहुत खराब है, वही तेरा दोस्त आहत। मरे अल्लाह करे, उसने तो अपनी तरफ से मेरी मौत पूरी पक्की बना ही दी थी। उसके बड़े भाई से बात हुई थी, सिटी स्कैन हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, हॉस्पिटल में है बेचारा। चल ना यार, उसे देख के आते हैं। चले जाएंगे, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। हेलो, हाँ सामने, हाँ बोलो। जवाब मांग रहा है वो। उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम अपनी जान उसके नाम कर रही हो। मैं शादी करना चाहती हूँ। हमने तो जिंदगी में एक बार ही मोहब्बत की, वो भी तुम्हारे अब्बा से। नाहिद तो हमारे मंगेतर थे, जाहिर सी बात है उस दौर में, लेकिन उसके बाद सिर्फ तुम्हारे अब्बा से। ये जो लाफानी और जबरदस्त किस्म की मोहब्बतें थी ना, ये मुझे लगता है कि सिर्फ 1960, 70 और बस 80 तक ही होती होंगी। अब तो बस जनवरी से अप्रैल तक ही मोहब्बत है, फिर अप्रैल से अगस्त तक की, फिर अगस्त से दिसंबर तक की, और मैं कौन सा कोई बड़ी तवक्को रख रही हूँ। अब देखे ना, पुराने जमाने के रोमांटिक गाने आज तक लोगों को याद, और आजकल के गाने किसको याद है? ये गाने, मोहब्बतें, लोग सब घिसे पिटे हैं आजकल, तो करने दें ट्राई, बस दिल में अफसोस ना रहे कि कोई शख्स मेरे लिए मर सकता था या फिर शायद मर भी जाता। तुम्हारे अब्बा बहुत खिलाफ हैं उन लोगों के। नहीं तो समझा लेना अबू को, वो कहता कि वो मुझे अलग रखेगा। अभी कुछ महीनों में लाहौर शिफ्ट हो रहा है, वहां उसके दोस्त ने कोई बहुत बड़ा जिम खोला है, उसकी बड़ी बहन यहाँ मून के साथ रहेगी। पर अब माशाल्लाह से अब्बू और ताशी भी कमा रहे हैं। तुम क्या समझती हो, तुम्हारा हमारा सिर्फ कमाई का रिश्ता है? मम्मी हर बात को मत पकड़ा करें, बातें तो निकलती पिसलती रहती हैं जबान से। करेंगे बात, लेकिन एक बात कहें। मम्मी आप बस दुआ कीजिए, आगे का तो किसी के बाप को भी नहीं पता। कुछ हुआ है क्या? जॉब छोड़कर आ रही हूँ, काफी दिनों से नोट कर रही थी, सोचा अच्छा मेरी जलालत को खुद आवाज दे रहा है। सुनो सामिया, मैक्सिकन रैप्स की काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सर ये कॉम तो जन्नत भी चली जाए ना।
वहाँ बैठ कर भी नुक्स निकाल रही होगी। तो इतनी रूट क्यों, कोई परेशानी है क्या? परेशानी किसको नहीं होती। मेरा ख्याल है औरतें ज्यादा जल्दी घबरा जाती हैं परेशानी से। ये आपका ख्याल है, मुझे तो लगता है औरतें मर्दों से ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेती हैं। हाँ हैंडल तो कर लेती हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी कोई कमिटमेंट तो नहीं है आज की? लॉन्ग ड्राइव पे चलें, मौसम भी अच्छा है और हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। ये जो कई दिनों से आप मुझे इधर उधर से ताड़ते रहते थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, मैं समझ चुकी थी आपके गटर सदा दिल का हाल। उकता गई हूं मैं, परेशान हो गई हूं। आपके घर में औरतें, बाहर औरतें, हर तरफ औरतें ही औरतें, तो फिर क्यों आप औरत को मरीख की मखलूक समझ के आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं? खुदा की कसम मेरा दिल चाहता कोई वजनी पत्थर उठा के ना मार दूं आप जैसे नफजाती मरीजों को, कुचल दूं और ऐसा कुछ लू के जहां जाओ वहीं यही मुसीबत, यही चिचोड़ापन। ना अपने नाम की परवाह, ना अपनी इज्जत की। मैंने तो सोच लिया था अब किसी ने मुझ पर मैली नजर से देखा तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी आप जैसे घटिया और गलीज लोगों की नौकरी। आखिर कब तक आप नहीं बर्दाश्त करें? लड़कियां हैं हम, पत्थर की सिले नहीं। अपनी मां को ले जाइए ना लॉन्ग ड्राइव पे, सवाब भी मिलेगा उसका। किन ख्यालों में तुम्हें, क्या सोच रही हैं? मैंने कहा ना मैं आपको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। अरे ऐसे नहीं, आराम से काटो, बारीक बारीक से काटो, छोटा छोटा। अच्छा सुनो, तुम्हारी कोई कमिटमेंट तो नहीं आज की? लॉन्ग ड्राइव पे चलें, मौसम भी अच्छा है और हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। तुझे चलना होगा मेरे साथ क्लिफ्टन। एक्सरसाइज तो करने दे यार। अबे चलना यार, अच्छे पैसे दिलवा दूंगा, ट्रेनिंग करवानी है किसी को। वर्कआउट कर लूं मैं? अबे चल यार, देर हो रही है। सुफियान बात सुन यार, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, वो शैला और कोको आएंगी, उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दें। कार्डियो से स्टार्ट करवाना, इतना मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है? अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डाले। आमीन। अभी तो ड्रेसिंग टेबल और दीवान की भी बात हो चुकी है मेरी। हमारे ख्याल में स्टोर भी छोटा पड़ता जा रहा है। हम आपा से कहेंगे कि वो भी अगर तुम लोगों के कमरे में रह लें तो वो कमरा भी काम आ जाएगा। हाँ आमीन, ये ठीक है। अरे तुम कब आई, पता ही नहीं चला। अम्मी मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, एक पुराना सोफा और कुछ चेयर्स मिल रही हैं। मेरी दोस्त है ना सबूर, उसकी खाला बेच रही है, पहले देखकर आ जाती हूँ, अगर पसंद आई तो आपसे आकर पैसे ले जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कुछ हुआ है क्या? जॉब छोड़कर आ रही हूँ, काफी दिनों से नोट कर रही थी, सोचा अच्छा मेरी जलालत को खुद आवाज दे रहा है। इन मर्दों को चैन क्यों नहीं पड़ता? मम्मी कुछ कर्जा देंगी मुझे? लौटा दूंगी एक साल के अंदर अंदर, ये वादा है मेरा। कितने पैसे चाहिए? जितने आप दे सके आसानी से, बस अपना काम करूंगी। अम्मी थक जाती हैं हम लड़कियां भी, घर से बाहर काश हमें भी अच्छा माहौल मिलता,
फिर लोग देखते हैं हमारी एनर्जी। इस माहौल में तो मर्दों से डरी हुई समय भी चिपकलियां पैदा हो सकती हैं। ना काम करूंगी, मेरे काम के आड़े जो आएगा उसका कलेजा चबा जाऊंगी। अबे क्या सस्पेंस फैलाया हुआ है तूने? अबे बताया तो था तुझे, ये यार मैं के चैनल में हीरोइन आ रही है चंचल, उसका मीडिया मैनेजर लग गया हूं। नाजाबाद से आई है, अभी 2-3 महीने पहले क्रिप्टनशिप हुई है, शक्ल से तो बहुत प्यारी है बेटा जी, मगर शोबिज में आने के लिए ना लड़कियों को अच्छी इंग्लिश और तशन वशन आने चाहिए। जिम का उसके पास टाइम नहीं है, 2-3 ड्रामा सीरियल लाइनअप है। मैंने उसे एडवाइस दी कि मेरा दोस्त तुम्हें घर पे आकर ट्रेनिंग दे जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे कहना कि ट्रेनिंग की टाइमिंग मैं अपने हिसाब से ही रखूंगा। ओ भाई टाइम मैम नहीं हो तो उसके पास जब कॉल करे तब चले जाना, पैसे अच्छे दिलवा दूंगा तुझे। हम सिर्फ मीरा को अपनाएंगे, उसके बच्चों को नहीं। ये निकल नहीं हो सकती, मेरी शादी से अपने बच्चों के लिए करेंगे, और अगर वो बच्चे या तुम्हारे लिए सवाल या निशान हो तो ये निकल नहीं हो सकती। बेटा तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम शादी करना चाहती हो, वहीं जहां ब्यूटी पार्लर पे छापा पड़ा था। जी बेटा अच्छी तरह सोच लो, जल्दबाजी में किए हुए फैसले कई बार इंसान की कमर तोड़ देते हैं, और ये बात मर्द और औरत की नहीं है। अगर तुम ये बात कहकर अपने आप को तसल्ली दे रही हो कि गड़बड़ हुई तो घर वापस आ जाओगी, देखो अच्छी बात है कि तुम दुनिया से नहीं डरती, लेकिन कभी कभार इंसान दुनिया के बजाय खुद से भी डर जाता है। वो यही बात मैं अम्मी से कह रही थी, एक आदमी दूसरे आदमी के अमल का जवाबदेह नहीं होता, लॉजिक वाली बात है ना। बेटा एक बात मुझे बताओ, वो लड़का उसी घर में रहता था ना, तो क्या उसे ये नहीं पता था कि वहां पे 2 नंबरी हो रही है? जवान था, कमाता था, घर वालों को रोक नहीं सकता था। तजर्बों की भेड़ खुद को मत चढ़ाओ बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, दुनिया देखी है तुमने। Hi, this is Chanchal. Hi, Uzair. मैम ये उजैर है मेरे फ्रेंड, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, आज से ये आपको सारी वर्कआउट कराएंगे और डाइट प्लान शेयर करेंगे आपसे।
एक फूड कार्ट बनवाना है जिसमें हॉट प्लेट और ग्रिल फिक्स हो। मैं आपको बता दूंगी मुझे किस तरह का चाहिए। सादा तो बनवाना है, कम से कम रेट में दे दूं। कोई आदमी है तुम्हारे साथ? मैं ही आदमी हूँ, हम सब आदमी ही हैं। किसी और सराय के मखलूक नहीं है कोई, ना मर्द ना औरत। अपना काम करने जा रही बेटा? जी। अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे काम। अच्छा, कोई तस्वीर है जिस तरह का बनवाना चाह रही हो? जी जी है। ठीक है, आप मुझे बस नंबर या कोई कार्ड दे दें ताकि मैं आपको फिर ये पिक्चर भेज दूं। ठीक है बेटा, बन जाएगा। मैं दे लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। किस्मत ने खोदे गड़े, हम मुंह के बल गिर पड़े। ऐसे गिरे के कोई हमको उठा ना पावे। पीछे हटना नहीं, थ्री फोर फाइव, कम ऑन सिक्स। मत गिरवाओ ना, बस मुझसे नहीं हो रहा। हो जाएगा। सिक्स सेवन, उससे नहीं हो रहा अभी से, इतनी टफ एक्सरसाइज मत करवाओ ना। देखो, नो आर्ग्यूमेंट, एक्सरसाइज करो प्लीज। हरी आओ। क्या मुसीबत है, गधा ही समझ लिया। सॉरी, मुझे गुस्सा आ जाता है ना। गुस्सा ना किया करो, हंसा करो। हंसती हो तो अच्छी लगती हो। स्टार्ट करेंगे। कम ऑन चार बच्चे। हो जाएगा। एट। सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। तुम आजकल की औलाद अपने सामने घुटने छूने पर मजबूर कर देती हो। तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि सामिया से बोलो कि कर ले शादी जहां वो चाहती है। उसकी मर्जी, उसका फैसला। लेकिन एक बात, इस बार कोशिश करना निभाने की। एक बात सच सच बताऊं आप,
मुझे जिंदगी में पहली बार लगा है कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, और मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ तो मजा आ रहा है, थकन में भी सुकून है। सच में अंदर तक हल्की हो गई हूँ। तुम आ गए। हाँ, मैं बस चेंज करके एंड मेकअप रिमूव करके आती हूँ। अवार्ड फंक्शन था ना, बस वहीं से आ रही हूँ। ठीक लग रही हो ना? सुनो, ज्यादा फैल मत जाना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा वर्कआउट काम जरूर करेगा। मुझे अपना साइज जीरो करना है और तुम ही करवा सकते हो। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है मीडिया में, बाप रे बाप। मैं जानती हूँ ना, तुम दो मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं समझा कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ, चीखो ना चिल्लाओ ना मुझ पर, बस इसीलिए तुम्हें फेस करने से डर रहा था। अबे, तुम वनस्पति मर्दों ने सोसाइटी का नाश मार दिया है।